CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी। दादाजी आज घर, आंगन और छत के बारे में बताएंगे। आलेख श्याम सिंह शशि का है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई तैयार होना, आज तुमसे मिलने आ रहे हैं दादाजी। तो दोस्तों जब दादाजी आए तो तुम जोर से उन्हें राम राम कहना। तो लो दोस्तों बातचीत करो अपने दादाजी से। बच्चों राम राम। दादाजी राम राम। राम 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 राम। दादाजी आप बहुत दिनों में आए, कहाँ चले गए थे? अरे बच्चों क्या बताऊँ, मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला गया था अपने बेटे के यहाँ। वो बहुत बड़ा अफसर है, अफसर। वो पहले तुम्हारी तरह गांव में ही रहता था। मैं उसके घर बड़े मजे में रहा। पूछो क्यों? क्यों? ओए होए, अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? उसका घर क्या है? महल है, महल। पर प्यारे बच्चों, उस महल की बात करने से पहले हम अपने घर की ही बात क्यों ना करें, जहाँ पर बैठकर तुम खाना खाते हो, पानी पीते हो और रात को सोते हो। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घर। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? हाँ, घर। पर एक बात बताओ बच्चों, घर बनता किससे है? बताओ बताओ। देखो कुछ बच्चे तो बता रहे हैं मिट्टी से, घास से। शाबाश। अच्छा अब सुनो, मैं बताता हूँ। घर कच्चा भी होता है और पक्का भी। कच्चा घर मिट्टी से बनता है। किससे बनता है? हाँ, मिट्टी से बनता है। इसकी दीवारें मिट्टी की होती हैं, उसकी छत घास फूस की होती है। बच्चों छत तुम जानते ही हो, ये घर की चारों दीवारों पर टिकी होती है। किस पर टिकी होती है? हाँ, चारों दीवारों पर टिकी होती है। अगर ये ना हो तो बारिश में तुम सब भीग जाओ। ये सर्दी गर्मी से हमें बचाती है। पक्का घर ईंट पत्थरों से बनता है। किससे बनता है? हाँ, पक्का घर ईंट पत्थरों से बनता है। इसकी छत भी पक्की होती है। पर भाई घर कच्चा हो या पक्का, मिट्टी का हो या ईंट पत्थरों का, अपना घर तो सबको अच्छा लगता है ना? अरे भाई जोर से कहो, जी हाँ। शाबाश। तो बच्चों अब मेरे साथ मिलकर ये गाना गाओ। मेरा घर है कितना प्यारा, मेरा घर है कितना प्यारा, जिस
किसका आंगन सबसे न्यारा? किसका आंगन सबसे न्यारा? दादाजी को हुक्का प्यारा। दादाजी को हुक्का प्यारा। गुड़गुड़ करता आंगन सारा। गुड़गुड़ करता आंगन सारा। अच्छा, तुमने तो पूरा गाना ही बना लिया। तो चलो भाई, अब सब मिलकर इस गाने को गाते हैं। पहले मैं बोलूंगा, फिर तुम सब। मेरा घर है कितना प्यारा। मेरा घर है कितना प्यारा। जिसका आंगन सबसे न्यारा। जिसका आंगन सबसे न्यारा। दादाजी को हुक्का प्यारा। दादाजी को हुक्का प्यारा। गुड़ गुड़ करता आंगन सारा। शाबाश। दादाजी, आप तो आंगन में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और हम गप्पे लड़ाते हैं। पूछो क्यों? क्यों? तो भला इसमें पूछने की क्या बात है? चलो भाई, ये बात पूछने की नहीं तो ना सही, पर मैं ये तो पूछ सकता हूँ कि बच्चों, तुम में से किस किस को कहानी सुनना अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना कहानी सुनना? तो लो भाई, सुनो कहानी। प्यारे बच्चों, तुम तो जानते हो कि मेरे घर में आंगन है। उसी आंगन में मैं बैठा रहता हूँ। अगर कुछ काम नहीं होता तो बैठा बैठा राम का नाम ही लेता हूँ। भाई, उसी आंगन में एक नीम का पेड़ है। किसका पेड़ है? हाँ, नीम का पेड़ है। पिछली सर्दियों की बात है बच्चों, आसमान में बादल छाए थे। उस दिन धूप नहीं निकली थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। नीम के पेड़ पर बैठी एक नन्ही चिड़िया सर्दी से कांप रही थी। दादाजी, अगर चिड़िया को सर्दी लग रही थी तो वो घोंसले में क्यों नहीं गई? अरे, वही तो बता रहा हूँ बच्चों, कि उस नन्ही चिड़िया ने अपना घर अभी नहीं बनाया था। उसे अभी अपना घोंसला बनाना था। देखते ही देखते वो फुर्र से उड़ी और एक तिनका ले आई। चोंच में दबाकर चिड़िया फिर उड़ी, एक तिनका और ले आई। हाँ, ठीक। इस तरह थोड़ी ही देर में उस चिड़िया ने आधा घोंसला बना लिया। बच्चों, चिड़िया तो अपना घोंसला बनाने में लगी थी और छत पर बैठा एक बंदर उसका मजाक उड़ा रहा था। हाँ बच्चों, मैंने देखा छत की मुंडेर पर वो बंदर बैठा ही हू हू हा हा करके हंस रहा था। बंदर को हंसते देखकर चिड़िया बोली, बंदर भाई, ओ बंदर भाई, चींची चींची चू चू चींची, हंसी तुम्हें क्यों ऐसी आई? हा हा ही हू हू ही, छोटा सा ये घर है मेरा। चींची चींची चू चू चींची, कहे घोंसला पक्षी डेरा।
ही ही खी ही हा हा हू हू, घर बनाओ तुम भी भाई, हा हा ही ही हू हू ही ही, बंदर भाई ओ बंदर भाई। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, चिड़िया की बात सुनकर बंदर और जोर जोर से हंसने लगा, हा ही ही हू हू हे, और बोला, अरे नन्ही चिड़िया, इस तरह कब तक एक एक तिनका इकट्ठा करके घर बनाती रहेगी, आराम से बैठ, मुझे देख कैसे आराम से छत की मुंडेर पर बैठा हूँ, ना कोई काम ना धाम, मजे से बैठा हूँ। चिड़िया ने कहा, अच्छा बंदर भाई, तुम बैठो आराम से छत की मुंडेर पर, मैं तो चली घोंसला बनाने। चिड़िया उड़ गई तिनका लाने। शाम तक चिड़िया ने अपना घोंसला तैयार कर लिया। शाम हुई तो सर्दी और बढ़ गई, हल्की हल्की बूंदा बांदी भी होने लगी। दादाजी, चिड़िया तो अपने घोंसले में घुसकर बैठ गई होगी, पर बंदर का क्या हुआ? हाँ बच्चों, तुम सोचो तो, बंदर का क्या हुआ होगा, उसने तो अपना घर बनाया ही नहीं था, सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। तो बच्चों, क्या तुम सोच सकते हो कि उस समय छत की मुंडेर पर बैठा बंदर क्या कर रहा था? दादाजी, वो तो सोच रहा होगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैंने तो घर भी नहीं बनाया। ठीक, बिल्कुल ठीक। बच्चों, तुम तो जानते हो ना कि छत कोई कमरा तो होता नहीं, बस एक खुली जगह होती है कमरे के ऊपर। भाई, खुली जगह में तो और भी ठंड लगती है, तुम सब बच्चे भी तो सर्दियों में घर के अंदर सोते हो ना, सर्दियों में कोई आंगन या छत पर तो नहीं सोता ना, पर बंदर को उस दिन छत पर ही सोना पड़ा, वो सारी रात सर्दी में कांपता रहा। पूछो क्यों? क्यों? तो भला इसमें पूछने की क्या बात है, उसने अपना घर जो नहीं बनाया था। अच्छा बच्चों, ये कहानी तो अब खत्म हुई, अब मैं भी अपने घर जाऊंगा, मेरा घर है कितना प्यारा, जिसका आंगन सबसे न्यारा। दादाजी का हुक्का प्यारा, गुड़गुड़ करता आंगन सारा। अच्छा बच्चों, राम राम। दादाजी राम राम। अरे राम राम। दादाजी राम राम। अरे राम राम। दादाजी कल भी आना। जरूर आऊंगा। लो दोस्तों, दादाजी तो चले गए, लेकिन हाँ, उनकी बताई हुई बातें तुम्हें याद है ना, घर आंगन और छत के बारे में बताया था ना। और अब दोस्तों, कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।